भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई को हुई थी और इस शाही शादी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के कई सितारे, कई बड़े बिजनेसमैन हम सबको नजर आए। और ऐसे में हर कोई यही पूछ रहा था, हर कोई यही कह रहा था कि इतने सारे सेलिब्रिटीज को इन्होंने अपने शादी में बुलाया तो, बट ऑब्वियस सी बात है, फ्री में तो नहीं ये लोग आए होंगे। और अब इस पर अनन्या पांडे ने चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, जिस तरह की अफवाहें उड़ी थी और लोग कह रहे थे कि हाई प्रोफाइल शादी में हर सेलेब को करोड़ों में रुपए मिले हैं, लेकिन अनन्या पांडे का यहाँ कहना है कि आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि अगर हाई प्रोफाइल शादी हो रही है और एक शाही शादी है तो उसमें हर एक सेलिब्रिटी को करोड़ों में रुपए मिले होंगे। सिंपल सी बात है, अनंत अंबानी, वो अपना एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर बताती हूँ, वो कहती हैं सिंपल सी बात है, अनंत अंबानी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मुझे अपने दोस्त की शादी में नाचना बहुत पसंद है और ऐसे में मैं खुलकर नाचूंगी, मैं खुलकर एंजॉय करूंगी, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मुझे इस शादी में आने के लिए पैसे दिए गए हैं। जी हाँ, अनन्या ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के रिश्ते को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा है शादी की एक बड़ी बात ये थी कि बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन जब भी अनंत और राधिका एक दूसरे को देखते थे तो ये सिर्फ प्योर लव था। ऐसा लगा मानो उनके पीछे वायलिन बज रहा हो। ये कुछ ऐसा है जो मैं जिंदगी में चाहती हूँ, चाहे चारों ओर कितनी भी अराजकता क्यों ना हो, आप और वो शख्स उस रिश्ते को शेयर करते हैं। अनन्या पांडे मुकेश अंबानी के परिवार की मेज़बानी की भी बात करती हैं और उनकी तारीफ़ करती हैं। वो कहती हैं उन लोगों ने जिस तरीके से इस शादी की मेज़बानी की है वो वाकई बहुत ही गजब का रहा है और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर जाके एक शाही शादी को देखना, एक शाही शादी को इंजॉय करना। और जिस तरीके से वो हर एक शख्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ उनका वेलकम करते हैं, उनके अंदर एकदम एटीट्यूड, ईगो और वो इतने ज़्यादा रईस हैं, बिल्कुल भी उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं और बहुत ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ हैं ये लोग। और जिस तरीके से इन्होंने सबका ग्रैंड वेलकम किया है वो बहुत लाजवाब था। अनन्या पांडे आगे अंबानी फैमिली की मेज़बानी की भी तारीफ करती हैं। एक्ट्रेस ने कहा उन्होंने सभी का वेलकम किया, चाहे कितने भी इवेंट हो वो सभी का बहुत प्यार और गर्मजोशी से स्वागत करते थे। ये बहुत सुंदर गुण है क्योंकि ये हर चीज़ को बहुत पर्सनली महसूस कराता है। खैर, यहाँ पर अनन्या पांडे कुछ भी कह लें, ये बात तो आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेलिब्रिटी चाहे बॉलीवुड का हो या फिर हॉलीवुड का हो, कोई भी फ्री में आकर अपनी परफॉर्मेंस नहीं देता है। और यहाँ पर जिस तरीके से हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार नज़र आए और बॉलीवुड के भी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों का अमाउंट इन्होंने चार्ज किया होगा। फ्री में कोई भी नहीं आया है। अब चाहे अनन्या पांडे कितनी भी वाहवाही कर लें, कुछ भी कह लें कि अनंत अंबानी उनके दोस्त हैं और दोस्त की शादी में नाचना उनको बेहद पसंद है, लेकिन सच्चाई हम सबको बहुत अच्छे से पता है। आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बीते दिनों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, अभी भी वो चर्चा का विषय है। जी हाँ, गणेश उत्सव के बीच में जिस तरीके से मुकेश अंबानी ने अपनी बहू राधिका मर्चेंट के कमर को पकड़ा था, अभी तक ये बात चर्चा में है और लोग कह रहे हैं कि अपनी बहू को बेटी मानने का ये कैसा तरीका है। तो एक ओर हमारे सेलिब्रिटीज इतनी तारीफ करते हैं और दूसरी ओर इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर हम सबके सामने आती हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनालिसिस है, जो हमने देखा है, उसी के बिहाफ पर हम आपसे कह रहे हैं कि एक तरफ लोग इनकी अच्छी इमेज बनाते हैं इनके परिवार की, तो दूसरी ओर इनके परिवार की जो रियल इमेज है वो भी हम सबके सामने आ जाती है। आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पर, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।